फाइल्स आप मेरे कमरे में लेकर आइए, मैं खुद देखूँगी। तो अच्छा भाभी, एक बात ये है कि वो डील पे मैंने साइन किया है, तो अब भी ऑर्डर के जितने भी मामला हैं वो मुझे ही देखने होंगे। क्लाइंट अब सिर्फ मुझसे ही बात करेगा। सुन लिया तुमने, इस घर का बच्चा बच्चा तुम्हारी अदाकारी पहचान गया है। और ये जो तुम नाटक कर रही हो ना एनी से पूछने का, तुम कैसी हो, तबीयत ठीक है, ये बात करो। और एक बात कान खोल के सुन लो राइला, इस घर के किसी भी फर्द को कोई नुकसान पहुंचा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, जो लोग लेकर आए हैं उन्होंने कुछ बताया है कि हुआ क्या था? भाभी वो जंग कुछ भी नहीं पता, मैं तो सरदार से फोन पे बात कर रही थी और एकदम से धमाके की आवाज़ आ गई। उसके बाद मैंने फोन किया तो किसी राहगीर ने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैंने तो भी तक चक्कर भी नहीं देखी। अरे नहीं, फिक्र ना करो, सब ठीक होगा। परेशान मत हो फैमी, हम साथ हैं तुम्हारे। पता नहीं बेटे बिठाई क्या मुझसे बता गई है सर पे, किसकी नजर लग गई मेरे घर को, ये डॉक्टर कुछ बता कि नहीं रहे, क्या हो गया पता चल जाएगा। अभी सब ठीक है, डॉक्टर क्या कहता है? मैमी, नहीं, मुझे मुझे कोई ऐसी बात नहीं बताना। सजा ठीक है ना, उन्हें वो बिल्कुल ठीक है ना, चले देखते हैं ना हमको, चलो उनके पास चलते हैं। मैमी नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं सुनना। सजा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है वो। मैं जाके देख लेती हूँ ना, मैं जा। हेलो सबको, नहीं सजात को कुछ नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ठीक है। आपको गलतफहमी हुई है, मैं जाके देखती हूँ, मैं जाके देखती हूँ। नहीं संभाले खुद को, मैं डॉक्टर को गलतफहमी हुई है अभी, पर मैं भी तक देख मन बड़ी हिम्मत करो, तो नहीं पता मैं किस दुख से गुजर रही हूँ यार। मेरे अब्बू चले गए मुझे छोड़, वो कभी वापस नहीं आएंगे मेरे पास। हाँ वो तुम्हारे पास वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन मन तुम मुझे ही देखो, हाँ मेरे अब्बा जिंदा लेकिन कभी मेरे लिए वहाँ मौजूद नहीं। पापा एक अच्छे इंसान थे और उससे अच्छे अब्बा भी, तुमसे बहुत प्यार करते थे वो। पापा बस बस
खाओ साहब बोले। नहीं आज ऑफिस ज़रा बंद ही रहेगा क्योंकि ज़हीरी साहब और रबीब साहब के जो एनओए है ना उनकी ज़रा डेथ हो गई है। ऑफिस में आप सबको बता देगा कल ही खुलेगा फिर ऑफिस। तो ये ठीक है सर मैं बात करता हूँ। ओके वापस हाँ ना बोलो। फ़ाखिर कहाँ हो तुम? हमें आज मिलना था। मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ टेक्स्ट कर रही हूँ कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो तुम। यार बस एक इसलिए फंस गया था ज़रा इसलिए नहीं निकल पाया आज। क्या मसला हो गया? इज़ एवरीथिंग ओके? मेरे पापा है ना सबसे छोटे वाले उनकी डेथ हो गई थी आज तो भैया जो है वो घर से उठे गए। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस फ़ाखिर। अच्छा मैं बात करता हूँ छुपा दे ताफ़िश ताफ़िश। फैमी कुछ खा लो सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया कब तक भूखी बैठी रहोगी? आयशा जाओ एमन को बुला के ना दीवे कुछ नहीं खाया वह दोनों माँ बेटियाँ मिलकर खा लेंगी। मेरा ये नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है मुझसे ज्यादा हमदर्दियाँ दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या बोल रही हो तुम फैमी? सच कह रही हूँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। सज्जाद को तुमने फोन किया था ना? अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी एमन की शादी किसी अच्छी जगह हो तो क्या गलत चाहती हूँ मैं? तुम जाती तो फौजिया को फोन कर सकती थी उससे सब जा सकती थी लेकिन नहीं तुमने तो उन्हें फोन करके भड़का दिया। ऐसी पागलों वाली बातें कर रही। अरे हम क्यों चाहेंगे कि तुम बेवा हो जाओ? हमने तो ईमन की भलाई के लिए फोन किया था ताकि कोई बेवकूफी कोई ज्यादती ना हो सके उसके साथ। हमें क्या पता था ये सब हो जाएगा। एमन का बुरा मैं भी नहीं चाहती। अच्छे राजीव तो जा सुबह से मुस्कुराते गए थे ऑफिस ऐसे कि जिस दिन मेरी डेड बॉडी भी रखी हुई है किरण कौन सोचेगा मेरी बेटी के बारे में? कौन याद रखेगा? तुम याद करो इसका तुम सोचोगे इसके बारे में? सब में हमारा क्या कसूर है फैमी जो तुम हमें इल्जाम दे रही हो? सजाद भाई की मौत शायद ऐसे ही लिखी थी। ऐसे नहीं लिखी थी उनकी मौत सब तुम्हारी वजह से हुआ सारी का तुमने मान गया सजाद का। तुमने सही नहीं किया सारी का मेरे साथ बहुत ज्यादा नहीं किया तुमने। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर आकर बैठो सबके साथ। यही मौका है सबके साथ घुलने मिलने का। और ये कौन से कपड़े पहने हैं तुमने? रंग बिरंगे कपड़े? शादी नहीं हो रही है मैयत का घर है। ढंगे कपड़े पहनो और बाहर आओ प्लीज। ठीक है राबी लाल जोड़ा पहनी हुई। ड्रामों में तो मैयत के घर में सफेद कपड़े पहनते हैं। मन दुख तो मुझे भी है थोड़ा बहुत है ना। मैं इतनी मुश्किलों से इस घर के लोग कम करने पे तुली हुई हूँ
और ये फैमी और उसकी बेटी हमेशा के लिए आके ना बैठ जाए। क्या हो गया? सबर करो, सबने एक ना एक दिन जाना है इस दुनिया से। सबर करो। मेरा तो और भी चला गया, आप जैसा भाई भी। अब तो आप भी है मेरे लिए और कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा मेरे लिए। भाई साहब ने तो तुम्हें इस घर से रुखसत कर दिया था, किस्मत तुम्हें वापस इस घर में ले आई। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, क्या सोचा है तुमने, क्या करोगे अब आगे? क्या सोच रहे हैं? मैंने बचा ही नहीं है सोचने के लिए। क्या सोचूंगी मैं? तुम्हारा जो घर है किराए का, उसमें तुमने एडवांस में किराया तो दिया हुआ है ना? अभी मेरा तो यही मशवरा है कि तुम वापस वहीं जाके रहना शुरू कर दो, क्योंकि वो तुम वहाँ इतने अरसे से रह रही हो, जाहिर है आप जहाँ रहते हैं वहाँ की आदत भी पड़ जाती है। किराए का हुआ तो क्या हुआ, है तो तुम्हारा ही घर ना। किस बातें कर रहे हैं आप? सजाद उस घर का किराया दिया करते थे। मैं कैसे रह सकती हूँ वहां पे, और कहां से किराया दूंगी? मैं क्या करूंगी? तुम भाभी से कहो ना कि वो किराया दें उस घर का, और राशन भी डलवाएं। मतलब जहीर भाई के कारोबार में से इतना हक तो बनता है तुम्हारा, है ना?
भाभी को चाहिए कि तुम्हारा और एमन का खर्चा उठाएं, करना चाहिए। नहीं नहीं भाभी भाई, जब ये घर मौजूद है तो क्यों किराए में रहूं और क्यों वहां में पैसे जाया करूं फिजूल में? मैं यहीं ठीक हूँ, यहीं रहूंगी मैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, मतलब देख लो फैमी, इस घर के हालात तो तुम्हें पता ही हैं, आए दिन नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। अपने घर में रहोगे तो सुकून से रहोगे, इन सब चीज़ों से दूर रहोगे, तुम समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि एक दफ़ा अगर तुमने यहाँ रहना शुरू कर दिया ना, तो फिर इसी घर के अखराजात में गुजारा करना पड़ेगा। हाँ तो महीने में एक दफ़ा जो राशन डलता है वो पूरा महीना चलता है। कभी कभी तो ये हालात हो जाते हैं कि शोरबे में पानी मिला के खाते हैं। देख लो, हमने तो देखा है तुमने एमन को किस तरह पाला है, लाडों में पली है वो, इन हालात में किस तरह से वो रहेगी यहाँ पर, वो देख लो तुम, बाकी तुम्हारी मर्जी है। सही कह रहे हैं आप, ऐसे ऐसे तो यार है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ मुश्किल नहीं होगी तुम्हें, भाभी तुम्हें तुम्हारा हक कभी नहीं देंगी, तुम यहीं पड़ी रहोगी भाभी की मोहताज बनकर। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? यही मौका है भाई साहब के कारोबार में से अपना हिस्सा लेने का। आगे तुम्हारी मर्जी है मैम, मुझे लगा तुम्हें ये बात समझानी चाहिए तो मैंने समझा दिया। ठीक है, चलो तुम अभी रहो यहाँ पर, फिर मैं बाद में सुगात कर, ठीक आता हूँ। का सामान लेकर आ रहा हूँ। गलत कर रहे हैं ना, उसका हिस्सा भी मारा जाएगा, उसको हक भी नहीं मिलेगा अपना यहाँ पे। सोचते नहीं हैं इस घर में आएगी, अम्मा वरुण के कमरे में पड़ जाएगी, दाल सालन में पानी डाल के उसे भी खिला देंगे, हमें भी खिला देंगे कि खर्चा ना बढ़ जाए इस घर का। हम भाई हैं उसके, उसे समझाएं, उसको लगे आप हम डरते हैं उसके, उसको कहें कि अपने घर पे जाके रहे, इन लोगों से ले खर्चा, कराया, राशन, सब चीजें समीना भाभी को करना चाहिए ना, जो जो सजाद भाई करते थे। हम कहेंगे उसे अच्छा लगेगा, उसे लगेगा कि मेरे भाई को दर्द है मेरा, यहाँ पे क्या मिलेगा उसको? हिस्सा भी नहीं देंगे, हक भी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे ये लोग। कॉलेज से कितनी हो? मेरी सारी मेहनत अम्मा सामने हो गई। क्यों निकाल दिया? कैसे निकाल सकते हैं? तुम तो इतनी अच्छी स्टूडेंट हो। कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ। मुसलसल छुट्टियाँ, दो प्रैक्टिकल्स और तीन टेस्ट अम्मा मैंने मिस किए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं दुनिया में टॉप भी कर जाऊँ।
लो फैमिली, चाय पी ली। हमने अपने हाथों से बनाई है तुम्हारे लिए। तुम्हें बहुत पसंद है ना हमारे हाथ की चाय। लो पी ली। नहीं पीनी मुझे ये चाय। इस सबसे मेरा दिल साफ नहीं होगा सायका तुम्हारे लिए। बहनें तो बहनों के लिए क्या कुछ नहीं करते। तुमने बहनों के मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अच्छा नहीं किया सायका मेरे साथ। हमारा यकीन मानो फैमी, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। हमने तो नेक नियति से सजाद भाई को कॉल की थी ताकि वो तुम्हें समझा सके कि बच्चे के साथ ज्यादती ना। हमें नहीं पता था सजाद भाई हमारी बातों को इतना दिल पे ले लेंगे और खुद ही गुस्से में आ जाएंगे और यह हादसा हो जाएगा। अगर हमें पता होता हम कभी ऐसा ना करते। नहीं सर, तुम्हें अच्छे से पता था कि सजाद कितना जज्बाती है एमन को लेकर। तुमने तो मेरे बच्चे से सब कुछ छीन लिया। ये बीमा की मेरी बच्ची। सुमान बोलो, हमसे अपना दिल ऐसे खराब ना करो। तुम हमारी बहन हो, अगर तुम हमसे नाराज होगी तो हम क्या करेंगे? मुझे अम्मी और जहीर भाई की बात याद आ रही है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। पागल हो गई हो तुम? कोई नहीं बच्चा मेरे पास। हबीबा आपने अच्छा किया, फैमिली से ना टाइम से बात कर लिया आपने। अगर मजीद देर करते ना तो फिर फायदा नहीं होना था। आपने बताया नहीं क्या कहा था उसने? उसने क्या कहना था? मैंने बताया उसे इस घर के हालात के बारे में, ये भी बताया कि हालात किस तरह से खराब हो सकते हैं। परेशान हो गई। पहले तो वो समझ नहीं रही थी मेरी बात, फिर मैंने जब तफसील से उसे बताया ना तब समझ में आई उसे। अगर बात नहीं करेगी समीना भाभी से तो उसी घर में बैठी रह जाएगी। करेगी भाभी से बात, करेगी। उसके पास और कोई रास्ता बचा है? लाजमी करेगी। लेकिन अभी अगर समीना भाभी ने जस्टिन केस मना कर दिया तो फिर तो उसे बात तो करने दो। देखो अगर समीना भाभी ने मना कर दिया तो मैं एफएमई के साथ खड़ा हो जाऊंगा और फिर उन्हें उसकी बात माननी पड़ेगी, है ना? सही सोचा है, बिल्कुल सही दिमाग चलाया आप। मैंने दिमाग नहीं चलाया राहिला, ये तुम्हारी सोच है। मैं बस आगे पहुंचा रहा हूं। एक बात तुमसे बोलूं? नहीं। वाकई मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि तुम्हारी जैसी बीवी मुझे मिली। ट्रेने ने चाय पियेंगे इलायची वाली? सही सही। सजाद पापा को बात याद करती हो? हर जगह उनकी इतनी कमी महसूस होती है। पता है वो ना रात में रोज में कपड़े ले आती है। मुझसे ये बात बहुत खुशनसीब हो तुम नेमन।
तुम्हारे पास वो यादें हैं, वो बातें याद करने के लिए। मुझे याद नहीं कि अब्बा ने कब मुझसे तू लफ्जों से ज्यादा बात की हो, कभी मैं उनकी बात पे हंसी हूँ। जब भी उनकी बातें सुनती हूँ तो आंखों में आंसू ही आते हैं। तुम्हारा दुख समझती हूँ, यकीन करो मेरा। बाकी होते हैं वो है बिना, हम इन्हें यतीमों की तरह जिंदगी गुजारी है, इसलिए कह रही हूँ कि कुछ नसीब है तुम। ऐसे देखो सुजात पापा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते, वक्त कम था उनके पास लेकिन सुखाना वो उन्होंने तुमसे प्यार करते हुए गुजारा। तुमसे इतना प्यार करते थे कि मोबाइल लेके चाहते थे, तुम्हारे साथ वक्त बिताते थे, तुम्हारी हर ख्वाहिश हर जरूरत पूरी की उन्होंने। मैं तो पूरी जिंदगी इन सभी चीजों के लिए तरसती ही रह गई। एमन किधर है? गई है एनी बुलाने के लिए खाने पर उसको। मुझे प्लेट दीजिएगा ना एमन की। एमन क्या हुआ बच्चे, खा लो ना। अम्मी को पता है मैं पालक नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इससे बेहतर है कि मैं कुछ खाऊं ही ना। अच्छा रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनवा देती हूँ। एनी बेटा इसके लिए एक अंडा डाल दोगी? एनी तुम बैठ जाओ खाना खाओ। फैमी बच्चों को घर में जो पका हो ना वो खाने की आदत होनी चाहिए, शुक्र करके। बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और फिर सब्जियां तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, उनमें ये पालक में तो आयरन भी है। जी भाभी लेकिन मैं क्या करूं, एम को पसंद ही नहीं है, खाना छोड़ देती है अगर उसकी मर्जी का खाना ना हो तो। फहमी तुमने एमन को बिगाड़ दिया है, जो घर में बना है वही खा रहे, तो ये भी खाए चखे तो सही, बहुत मजे का बना हुआ है। हेमन बेटा गोश्त चिकन आयरन सब अपनी जगह, मेरे ख्याल में तो जो मिल रहा है वही जहर मार के खा लेना चाहिए। मामू के घर हो ना अपने, अपनी मर्जी थोड़ी चलेगी यहाँ, और तुम्हारी मम्मी तो एक एक्स्ट्रा अंडा तक नहीं तलने देती है। एमन मैं आती हूँ। एनी आप इतने दिनों के बाद कॉलेज आ रही हैं, और इससे पहले भी आप काफी छुट्टियां ले चुकी हैं, मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई में अब आपका कोई इंटरेस्ट रहा है। नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं है,
मेरा पढ़ाई से कभी इंटरेस्ट लूज नहीं हो सकता, बट आपकी एब्सेंस से तो यही लग रहा है। वो मैम असल में मेरे पापा की डेथ हो गई थी और फैमिली में भी कुछ मसले चल रहे थे। देखें नहीं, आप पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत रिलीफ दिया है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कॉलेज ही ना आएँ। इससे पहले भी काफ़ी प्रैक्टिकल्स मिस कर चुकी हैं आप, हमें ये लगता है कि आप पढ़ाई को आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आपको कॉलेज से निकाला जा रहा है, ये आपका रेस्टिगेशन लेटर है। नहीं मैम, मैं ये लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैम प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, ये पढ़ाई मेरा सब कुछ है मैम। ये तो आपको उस वक्त सोचना चाहिए था ना कि पढ़ाई आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मैम मेरा यकीन करें, मैंने बहुत कोशिशें की अपनी पढ़ाई को हासिल करने में। मैम मेरी पढ़ाई मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा मुस्तकबिल है, मेरा ख्वाब है। आप मेरे ख्वाबों को मत छीने, आप मुझे बस एक और मौका दें, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं रोज़ कॉलेज आऊँगी मैम। ये मेरा नहीं बोर्ड का फैसला है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। बेटा मुझे शर्मिंदा मत करो, मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं कर सकती। यू मैं प्लीज लिंडा, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। हाँ उदास देख के तुम्हें दिल चाह रहा है कि तुमसे कुछ कहूँ। बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन इस घर में जो हो रहा है ना तुम्हारे साथ, ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो अपने घर में अच्छे से रहती थी, आजादी से रहती थी, खाती पीती थी, खुश थी, और यहाँ इस किस्म का सलूक अजीब सा फील हो रहा है तुम्हारे लिए। मुझे तुम अच्छी बच्ची हो बस इसलिए कह रही हूँ। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ जो होगा वो मैं खुद देख लूँ। सही कह रही हो, मेरा बोलना बनता नहीं है, बात कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची है। तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, हम दर्द समझ के बता रही थी। समीना भाभी जैसा करेंगी ना तुम्हारे साथ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं भुगत चुकी हूँ ना, मेरे साथ हुआ है। अपने घर में इंसान ऐश से रहता है, आजादी से रहता है, और यहाँ पे इनकी मर्जी से जियो, इनके हुक्म की तामील करनी पड़ेगी, इनके खिलाफ जा ही नहीं सकते आप। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना मैं होने दूंगी। मेरी आजादी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ सुम हो तुम, बिल्कुल अंदाजा नहीं है तुम्हें
जिस तरह मासियों के मुलाजिमों के साथ सलूक होता है ना, दो वक्त की रोटी, दो जोड़ी कपड़ा, वो भी ईद बकरीद पे, उसी तरह होना है बिल्कुल। तुम क्या समझ रही हो, अपनी मर्जी से शान शौकत से रहोगी यहाँ पे? आगे आगे देखो होता है क्या। मेरा काम तो समझाना, बाकी तुम देख लो। कौन कौन है? नहीं ना, वो बच्चे नहीं। क्यों रो रही हो? तब बताओ तो, हुआ क्या है, क्यों रो रही हो इतना? मेरे मामा कॉलेज से करती हूँ, मेरी सारी मेहनत अम्मा सारे हो गए। क्यों निकाल दिया? कैसे निकाल सकते हैं, तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट हो। कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ। मुसलसल छुट्टियाँ, दो प्रैक्टिकल्स और तीन टेस्ट अम्मा मैंने मिस किए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं दुनिया में टॉप भी कर जाऊँ। बच्चा बेटे, मैं बात करूंगी तुम्हारी प्रिंसिपल से। कोई तो मजबूरी होगी छुट्टी की थी ना, मैं जाके बात करूंगी, मैं समझाऊंगी। कोई फायदा नहीं होगा, मैंने कोशिश नहीं की होगी। मैंने किसी उन्हें अपने सारे 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 रीजन समझाने की कोशिश भी की, मैंने उन्होंने नहीं सुनी मेरी बात अम्मा, सब गिर पाया मुझे। नाया के पैदा होने के बाद 4 महीने की छुट्टियाँ वो बताया, अभी मुसलसल छुट्टियाँ बिना किसी की वजह के वो उन्होंने मुझे गिनवाया। मैं वैक्सीन बनवाने गई थी ना नाया को, प्रैक्टिकल था मेरा, मिस हो गया। बच्चा मेरे कुरान में चीन लिया आप लोगों ने, मेरे कुरान खत्म हो गए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे ख्वाब नहीं बिगड़ने दूंगी यानी मैं। सुनो मेरी बात, से बात करूंगी जाके प्रिंसिपल से, मैं बात करूंगी, वो तुम्हें एक मौका जरूर दे देंगी। अगर एक और मौका भी दिया ना उन्होंने अम्मा, अकेली मैं मेरी जिंदगी में जो जो चलता आ रहा है वो तो चलेगा। इस माशरे में ना अम्मा कोई भी नहीं समझेगा कि तालीम जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। पाचने में क्या, घर में कोई नहीं समझेगा मेरे। यही होता रहेगा अगर मुझे एक और मौका भी मिल गया अम्मा। नहीं, मेरी बात सुनो बेटा। तुम्हें जरूरत क्या थी राहिला से बात करने की? तुम्हें पता नहीं उसका, वो ऐसी ही है, दिल दुखाने वाली बातें करती है हमेशा, जो मुँह में आता है वही बोल देती है। नहीं अम्मी, राहिला आंटी ने जो भी बातें कही हैं बिल्कुल सही कही हैं। हमारा कुछ भी नहीं है इस घर में, अगर हम इसी घर में रहे तो आगे जाके हम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले पाएंगे। हबीब भी यही कह रहा था कि अब इस घर में मेरी और मेरी बच्ची की कोई अहमियत नहीं रही। यही बात है ना अम्मी, हबीब मामू और राहिल आंटी बिल्कुल सही कह रहे थे, हम कुछ भी नहीं है उनके आगे, हम उनके आश्रय में, वो जो भी कहेंगे हमें मानना पड़ेगा। मैं बात करती हूँ समीना भाभी से। अभी जाके बात करें आप, आपने देखा नहीं उन्होंने कैसे एक अंडा नहीं बनने दिया मेरे लिए? पहला दिन है आज इस घर में और अभी से ही अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दी है कि सब्जी खाओ। आपको याद नहीं है कि कैसे पापा मेरे लिए पिज्जा मंगा मंगा कर मुझे खिलाया करते थे? अभी से यह हाल है, आगे जाके कैसे होगा अम्मी? हबीब का कहना है कि हमें अपने फ्लैट पर जाके रहना चाहिए और वहाँ का किराया और खर्चा समीना भाभी से लेना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि अपने घर वापस चले, मुझे नहीं रहना है यहाँ इस घर में। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कोई महल तो छोड़ के नहीं गया, लेकिन तुम्हारे मामू के कारोबार से तुम्हें तुम्हारा हक जरूर लेके दूंगी। बात करती हूँ मैं वापस से, अभी जाके करती हूँ। Oh, yeah.
कश्तियों को बेसहारा छोड़ती है।